टिकटॉक के बुरे दिन शुरू। भारतीय ऐप मित्रों दे रहा टक्कर। चीनी ऐप टिकटॉक समय समय पर चर्चा में रहता है। हाल ही में एसिड अटैक जैसे कंटेंट को लेकर इस ऐप को एक बार फिर से बैन करने की मांग की गई है। इसी बीच टिकटॉक जैसा ही एक भारतीय ऐप मित्रों आ चुका है। काफी समय में मित्रों ऐप की पॉपुलरिटी बढ़ी और फिलहाल प्ले स्टोर के मुताबिक ये भारत के पॉपुलर ऐप्स में से एक बन चुका है। गौरतलब है कि इसे महीने भर पहले ही लॉन्च किया गया था। महीने भर पहले लॉन्च हुए इस ऐप को अभी तक 50 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। शुरुआती दौर में अगर इसके डाउनलोड को देखें तो अभी के लिए ये चीनी ऐप टिकटॉक को टक्कर देता नजर आ रहा है। मित्रों ऐप ऐसे समय पर आया है जब लोग विरोध में टिकटॉक ऐप की रेटिंग लगातार कम कर रहे हैं। हालत ये है कि इस ऐप की रेटिंग 1.5 तक पहुंच गई है। इसके पीछे की दो वजह हैं। पहली वजह, यूट्यूबर कैरी मिनाटी द्वारा टिकटॉक को लेकर बनाया गया रोस्ट वीडियो। आपको बता दें कि कैरी मिनाटी नाम के एक भारतीय यूट्यूबर ने एक टिकटॉक यूजर को अपने यूट्यूब वीडियो में बुरा भला कहा था। इसके बाद यूट्यूब ने कैरी के वीडियो को डिलीट कर दिया। चूंकि कैरी मिनाटी के यूट्यूबर यूट्यूब सब्सक्राइबर और फैंस करोड़ों में हैं, इसलिए उनके फैंस ने टिकटॉक की रेटिंग कम करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, टिकटॉक के पुराने और ऐसे एसिड अटैक से जुड़े ऐसे कंटेंट वायरल किया गया और बात महिला आयोग तक पहुंच गई। चूंकि टिकटॉक एक चीनी ऐप है और हाल ही में पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा था कि लोगों को लोकल के लिए वोकल होना है। कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर भी चीन के खिलाफ कुछ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में टिकटॉक की तरह ही कोई भारतीय ऐप आया है तो जाहिर है लोग इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहेंगे। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये ऐप टिकटॉक से आगे निकलेगा या फिर इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि टिकटॉक भारत के अलावा कई मुल्कों में पॉपुलर है और इसके पीछे बाइट डांस नाम की एक बड़ी कंपनी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अभी गूगल प्ले स्टोर की फ्री ऐप चार्ट में मित्रों 11वें नंबर पर है। हालांकि ये इससे ऊपर भी आ चुका है। इस लिस्ट में नंबर एक पर आरोग्य सेतु ऐप है, जबकि दूसरे नंबर पर टिकटॉक और तीसरे पर व्हाट्सएप है। ये ऐप भी टिकटॉक के तर्ज पर तैयार किया गया है। ये ऐप खुद को शॉर्ट वीडियो और सोशल प्लेटफॉर्म बताता है। दावा किया गया है कि ये लोगों को उसके इनोवेटिव आइडिया और ह्यूमर दिखाने के लिए बनाया गया है। टिकटॉक की तरह ही यहाँ वीडियो बनाए जा सकते हैं, एडिट किए जा सकते हैं और उन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किए जा सकते हैं। ये ऐप 7.9 MB का है और ये आपके स्मार्टफोन का वो तमाम परमिशन एक्सेस करता है जो आप टिकटॉक को देते हैं।